नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एक बयान में कहा था कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है। इस बयान पर तूफान खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि वो सोशल मीडिया पर मिला एक मैसेज पढ़ रहे थे। बाबा रामदेव ने यह भी कहा वो हर तरह की चिकित्सा का सम्मान करते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA इससे संतुष्ट नहीं हुआ। बाबा रामदेव को 1,000 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया। यह भी कहा गया कि बाबा रामदेव अपने बयान पर खंडन वाला अब वीडियो पोस्ट करें और लिखित माफी भी मांगे, जिसके बाद यह विवाद और तेज हो गया। बाबा रामदेव के खिलाफ कई जगह FIR करवाई गई। अब यह विवाद कहीं ना कहीं बाबा वर्सेस एलोपैथी नहीं बल्कि आयुर्वेद बनाम एलोपैथी बन गया है। एक तरफ आयुर्वेद के समर्थन वाले लोग हैं जो एलोपैथी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बाबा रामदेव के विरोध में जुट गए हैं। इसलिए अब बाबा रामदेव से सीधा संवाद करना बेहद आवश्यक है। आखिर यह टकराव किस तरफ जा रहा है? देश के लोगों के मन में कई सवाल है, यानी आपके मन में कई सवाल है, और मैं आप सबका प्रतिनिधि बनकर ये सारे सवाल बाबा रामदेव से आज पूछूंगा। तो अगले 1 घंटे जरूर देखिए जन अदालत में बाबा रामदेव लाइव, जिनसे हर सवाल पूछा जाएगा, जो सवाल देश की जनता यानी आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिल में है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। कोरोना के पहले दौर से ही योग गुरु बाबा रामदेव बेहद सक्रिय हैं। योग के जरिए कोरोना से लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए बाबा रामदेव ने कई सुझाव दिए, जिनकी तारीफ भी हुई और लोगों ने अपनाया भी, लेकिन इसके साथ साथ विवाद भी चलता रहा। पहला विवाद हुआ पतंजलि की कोरोनिल को लेकर, जो पिछले साल जून में कोरोना की दवा के तौर पर लॉन्च हुई, लेकिन इसे कोरोना की दवा बताने पर जबरदस्त विवाद हो गया। बाद में आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टर दवा के तौर पर इसे हरी झंडी दी। हालांकि कोरोना काल में सबसे बड़ा विवाद बाबा रामदेव के हाल ही में दिए गए एक और बयान को लेकर हो गया है, जिसमें उन्होंने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बता दिया। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। इस बयान पर बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर आपत्तिजनक बयान वापस लेने की मांग की, जिसके बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान पर खेद जताया और कहा कि असल में उनका बयान एक व्हाट्सएप पर आधारित था। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि वो चिकित्सा की हर पद्धति का सम्मान करते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खंडन वाला वीडियो और लिखित माफी की मांग करते हुए बाबा रामदेव को 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में बाबा रामदेव के खिलाफ FIR भी करवाई गई, लेकिन अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं आयुर्वेद बनाम एलोपैथी बनता जा रहा है। स्वामी रामदेव जी ने कितना बड़ा योगदान इस देश को दिया है ना, आयुर्वेद के प्रति एक आशा बनना प्रारंभ हुआ। रामदेव बाबा कोई संत महंत नहीं है, वो एक कमर्शियल और बिजनेसमैन है। रामदेव बाबा जिस तरह से लोगों को और भारत की आम जनता को एक तरह की गलत बातें बता रही है, जिससे आम आदमी का नुकसान हो सकता है, इसलिए आज बाबा रामदेव से संवाद और तमाम विवादों पर सवाल जरूरी है, क्योंकि पूरे देश के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए जनता के प्रतिनिधि बनकर अमिश देवगन बाबा रामदेव से सीधे सवाल पूछेंगे। तो अगले 1 घंटे जरूर देखिए जन अदालत में बाबा रामदेव लाइव। और आज पूरा देश बाबा रामदेव से सवाल पूछेगा। न्यूज 18 नेटवर्क देश का जाना माना नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
न्यूज 18 के अपने चैनल्स हैं। तो आज हमारे साथ कई संपादक भी जुड़ेंगे न्यूज 18 रीजनल चैनल्स के, जो कि सवाल पूछेंगे बाबा रामदेव से। और बाबा रामदेव इस समय जन अदालत में हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव मौजूद है। बाबा नमस्कार। प्रणाम आमिश भाई और सारे आपके संपादकों को और पूरे देश के लगभग 18 चैनल पर आज आप सीधा संवाद कर रहे हैं। इसके लिए अभिनंदन है कि सत्य और प्रखर रूप से सब तक पहुंचे और लोग, क्योंकि आरोग्य उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जान सकें कि कौन सी पैथी से मैं क्या बेहतर लाभ पा सकता हूं। प्रणाम मेरा आपको बहुत बहुत जी। बाबा रामदेव, ऐसा क्यों है कि आप अक्सर विवादों में घिर जाते हैं या फिर आपको विवादों में घसीट लिया जाता है? सवाल यह खड़ा होता है, जनता जनार्दन का प्रतिनिधि बनकर आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या फिर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है? देखो आमिश भाई, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये बयान मैंने खुद का नहीं दिया, एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, मैंने बयान वापस भी ले लिया, खेद भी व्यक्त कर दिया। और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके दूसरों की जान बचाई, उन डॉक्टर, उन नर्सेज, उन सफाई कर्मचारी, उन ऑक्सीजन भेजने वाले, उन गाड़ियों के ड्राइवर्स, उन सारे हेल्थ वर्कर्स के प्रति मैं नमन और कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूँ। जहाँ तक बात रही कोरोना काल में देश सेवा की, तो आपने ये भी देखा है कि 5 लाख का, 25 लाख का बिल बना और साथ में जो है अपने परिजन का शव मिला। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा जी, लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ, यद्यपि शल्य चिकित्सा सर्जरी के भी आविष्कर्ता महर्षि सुश्रुत हैं, उसके बावजूद भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी ने सर्जरी में बहुत प्रगति की है। और मैं पूरे गौरव के साथ ही कहता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो शल्य चिकित्सा का जो अद्यतन अनुसंधान हुआ है, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए हैं एलोपैथ ने, मैं उसको गौरव देता हूं और मानवता के हित के लिए उसको जरूरी मानता हूं। लेकिन इन दो चीजों को छोड़ करके, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी को छोड़ करके, चाहे बीपी को क्योर करने की बात हो, चाहे हार्ट डिजीज को रिवर्स करने की बात हो, शुगर को क्योर करने की बात हो, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के इनकेरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहां तक कि सिर दर्द से लेकर के पेट दर्द तक हर बीमारी में 98% बीमारियों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान के, जो हमारी जीवन शैली के तौर तरीके, उनसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपत्ति क्या है? मैंने 25 प्रश्न पूछे, अभी तक एक उत्तर नहीं आया, क्योंकि आने वाले शायद 25-50 सालों तक भी एलोपैथ उसका उत्तर न दे पाए, क्योंकि इनके पास बीमारियों का कंट्रोल तो है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की तरह इनके पास क्योर नहीं है। तो आपस में सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए ना। आयुर्वेद को हमेशा नीचा क्यों दिखाया जाता है? वो कह रहे हैं कि इनइक्विटी को खराब माना जाता है, इनजस्टिस को, जी जी, अनटचेबिलिटी को, लेकिन ये क्यों हो रहा है आयुर्वेद के साथ? वो कह रहे हैं कि हम नीचा नहीं मान रहे आयुर्वेद को, बाबा रामदेव ने एलोपैथी को नीचे करके आका। आपका बयान जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा और जिसके ऊपर आईएमए को बहुत एतराज भी है, क्या आपको लगता है कि आपने एलोपैथी को नीचे करके आका? आपने कहा कि बाबा रामदेव ने कहा कि सर्जरी कोई साइंस नहीं है बल्कि एक स्किल है। हाँ देखिए, ये तो अभी भी कह रहा हूं, सर्जरी एक स्किल है, और जब स्किल है तो उसमें ऑटोमेटिक नॉलेज, साइंस का तो इनपुट होता ही ना। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता? तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज और साइंस का इनपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी करते हैं। लेकिन स्टूपिड साइंस है एलोपैथी, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, जो आप दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल से लौट के आते हैं, उनको हम ठीक करते हैं। जी बाबा जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद भी एक साइंस है, लेकिन अगर हम बात करें एलोपैथ की, तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड साइंस है, ऐसा क्यों कहा आपने? ये सवाल जरूर आएगा और डॉक्टर्स के मन में भी ये सवाल होगा। मैंने वापस कहता हूं,
आमिश भाई, मैंने वो एक मैसेज पढ़ा था, ये मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। और मैं एक प्रति प्रश्न करता हूं आमिश भाई, देखो आप प्रश्न करेंगे, मैं भी कुछ प्रश्न करूंगा। जी जी, ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों का बुखार उतारने के नाम पर पैरासिटामिल, क्रोसिन आदि दे रहे हैं, लोगों के को एंटीबॉडी जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, ओवरडोजेज उनकी दे रहे हैं, फिर जो है और तमाम तरह के रेमडेसिविर जो इबोला की दवाई है वो दे रहे हैं, क्या कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ था कि ये कोरोना में दी जा सकती हैं? यदि नहीं हुआ तो क्यों दी जा रही है? और जिसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, डबल ब्लाइंड, पूरा का पूरा जो एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर होना चाहिए, वो सारा जब हमने कोरोनिल के ऊपर करके दे दिया, तब इसके ऊपर आपत्ति क्यों कहते हैं? इसको नकली दवा क्यों बोलते हैं? माने आप गूगल करके देख लीजिए। नहीं पर बाबा, ये बयान पर खेद भी व्यक्त कर दिया। बाबा ये बात तो सही है कि कोरोनिल कोरोना को मात नहीं दे सकती। इसको ये कहते हैं ये सूडो साइंस। बाबा कोरोनिल को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, कोरोनिल ना कोरोना को मात देती, यही मैं बताना चाहता हूं। लेकिन वो इम्यूनिटी बूस्टर दवा है जो आयुष मंत्रालय ने उसको अप्रूव करा। नहीं नहीं, अब जो है जो पहले बार जो बयान था वो ये था, जब हमने दोबारा पूरे पेपर दे दिए रिसर्च के, इंटरनेशनल जर्नल में आप पढ़ लो, पूरी दुनिया में योग आयुर्वेद का जितना रिसर्च हुआ ना, हमारे पास में पूरे इंस्टीट्यूशन में 300 से 500 साइंटिस्टों की टीम है। हमने जो एक ड्रग डिस्कवरी का इनविवो, इनविक्ट्रो और फिर जो है ह्यूमन ट्रायल तक के पूरे ड्रग डिस्कवरी की साइकिल वो पूरी की है। वर्ल्ड में जितने भी योग आयुर्वेद के रिसर्च पेपर छपे हैं उसमें करीब 10% योगदान अकेले पतंजलि का है। मैं खाली जो है बयान देने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूं। हमने योग आयुर्वेद का लाभ देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है। कुछ ऐसे जी, अब किसी के बारे में कोई ओछी बात नहीं कहना चाहता हूं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश के लिए, वो लोग कुछ भी ओछी बात कहकर के चले जाएं। स्वामी रामदेव का योग में, आयुर्वेद में लोगों के जीवन बदलने में क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई मुझे इसका प्रमाण देने की आवश्यकता है क्या मेरे भाई आमिर जी? नहीं, आपने जो योग के लिए किया है वो देश और दुनिया सब जानती है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता ताउम्र और आपके जाने के बाद भी। बाबा रामदेव, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है, इस समय देश की जनता यह जानना चाहती है आपसे, इस समय फार्मा कंपनियों के चक्रव्यूह में, इस समय डॉक्टर्स के चक्रव्यूह में बाबा रामदेव फंस गए हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था, महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे, क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है। बाबा रामदेव क्या फंस गए उस चक्रव्यूह में? देखो आयुष भाई, देखो फार्मा इंडस्ट्री, मैं कई बार जब ये बहुत लूट मचाते हैं, इनको ड्रग माफिया या मेडिकल माफिया भी कह देता हूँ, और हमारे डॉक्टर उनके कई बार अनजाने में शिकार हो जाते हैं। जो बात मैंने कही वो बात आमिर खान ने भी कही थी कि आप 15 रुपए की दवाई को 1500 रुपए में बेचते हो, जो जेनिक जो मेडिसिन है उसको ब्रांडिंग करके। और जब उन्होंने बात की थी कि बेसन टेस्ट की कि खून लिया, और उसके बाद में और भी बहुत कुछ उन्होंने बातें कही थी कि अनावश्यक ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी जो है टेस्ट, और ये करके 5 से 25 लाख रुपए का जो बिल बनाने का चक्रव्यूह है। मैंने एक व्यक्ति के साथ में कोई धोखा नहीं किया है। माना कि इस पूरी ड्रग इंडस्ट्री के पीछे लाखों करोड़ की दौलत है, लेकिन मेरे पीछे ताकत है सत्य की, साधना की, सेवा की, अनुसंधान की, और हमने परिणाम दिए। आज मैं एक एक बीमारी के लाखों करोड़ों लोग आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं।
मैंने इस देश का 100 करोड़ किलो से ज्यादा वेट कम किया है। मैंने लाखों लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर क्योर किया है। और 10 दिन से लेकर के एक महीने में, एक सप्ताह से लेकर के एक महीने में मैं बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुनौतीपूर्वक ठीक करता हूं। और मैं डॉक्टरों से आह्वान करता हूं, IMA से लेकर के जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं मेरे पास आ जाएं। जिनको भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस है, उनका मैं क्योर करके 7 दिन में 10 दिन में 15 दिन में वापस भेज दूंगा। कोई रहने खाने पीने का कोई उनसे चार्ज नहीं लूंगा। ये तो एक एक दिन का 5-5 हजार, 50-50 हजार एक एक लोग फिर चार्ज लेते हैं। और किसी के पास यदि कोरोना के कारण से पैसे ना हो तो आने जाने का किराया भी दे दूंगा। 1000 डॉक्टर आ जाएं। और जो मैं दावा करता हूं उनके पास तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर का क्योर नहीं है, हमारे पास क्योर है। मैं क्योर करूंगा। डॉक्टर भी तो इन बीमारियों से पीड़ित हैं। आ जाए ना अनुभव किए। स्वामी रामदेव, आयुर्वेद को झूठा बोलना, योग को झूठा बोलना, अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का उपहास उड़ाना। वो कह रहे हम उपास नहीं उड़ा रहे। अगर बाबा रामदेव के पास शक्ति है, समर्थ है, तो आइए, मैं कह रहा हूं बाबा रामदेव पूरी कोरोना की महामारी का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले ले और सबको स्वस्थ कर दे। आप तो ये मानेंगे बाबा रामदेव, ये बीमारी बड़ी भीषण है और सेकंड वेव ने भारत के अंदर हाहाकार मचा दी, स्थिति बहुत खराब हुई। आपको पता है कितने परिजन, कितने लोगों के चले गए, संवेदनाएं सबके साथ है। लेकिन ये भी सत्य है, ये कटु सत्य है, इस पर भी आपको बात करनी होगी बाबा। देश को बचाने में डॉक्टरों ने जो योगदान दिया है, मैं फिर वापस दोहराता हूं, वो खाली दो काम कर ले। जो वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं, जो ऑक्सीजन जिनको जो है ICU में रखे हुए, ICU वाले और वेंटिलेटर पेशेंट तो वो संभाल ले, बाकी एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक और भी सीवियर पेशेंट तक भी, जिनकी 75-80% भी ऑक्सीजन आ गई है, जिनके फेफड़े कमजोर है, जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनका बीपी, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन सब पेशेंट को मैं ले लेने के लिए तैयार हूं। पूरी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ आपके चैनल पर मैं पूरे खुले तौर पर ये चुनौती को स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस है बाबा? 10% लोग यदि एलोपैथी ने ठीक किया, सवाल ये खड़ा होगा, लोग योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक तौर तरीकों से ठीक हुए हैं। खुद हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जी भी कह रहे हैं कि 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आमिष भाई, बाबा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी दुखद देहांत हुआ है। तो बाबा रामदेव प्रैक्टिकल चीजों को समझे, ये भी वो कह रहे हैं बाबा। और क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सवाल खड़ा होगा? तो देखो, माना, मैंने माना। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस के साथ रोगी ठीक करूं, सब रिसर्च करके और योग रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद की बात करूं, तो ये अप्रामाणिक कैसे? जहां तक किसी एक व्यक्ति की मौत की बात करते हैं, माना कि किसी भी की भी मौत बहुत दुखद होती है। अब डबल वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई? एक व्यक्ति की मौत को क्यों मुद्दा बनाते हो? मैं तो मुद्दा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लो कि आप कोरोना से ना हारे, कोरोना को हरा पाए। तो वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज में दिक्कत क्या अमित भाई? और आपने भी तो इस जंग को जीता है, क्या आपने योग नहीं किया? नहीं, और क्या हमारे मीडिया के वो भाई हारे नहीं? वो हमारे वो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार क्या आज हमारे बीच में नहीं है? जी, उसका कारण कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है? आपसे ही पूछता हूं, आपने क्या किया था अमित भाई? नहीं, मैं तो मानता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने योगा को करा था और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी। मेरे तो गले में भी दिक्कत हुई थी, आपको पता है बाबा, 1 साल पहले। उसके बाद भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी, मैंने दवाई भी ली थी, मैंने एलोपैथी दवाई भी ली थी, जिसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने योगा भी करी थी। इसमें कोई दोराय नहीं है, सांच कुआंच नहीं है, जो सत्य है वो मैं हर मंच पे खड़ा होकर बोल सकता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गवा दिया है। लेकिन सम्मान देता हूं जी, और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो, हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम। लेकिन और ये IMA पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक NGO है, ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
ये तो साबुन टूथपेस्ट, आप इनके आप IMA का जाकर के पूरा इतिहास खगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को, ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहाँ से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी का, किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, मैं तो इसी विचार का हूं। अरे अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान का, दोनों का सम्मान। जब तक आप वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, 1,000 करोड़ एलोपैथी के नाम पर, वो कह रहे जब तक आप वीडियो पे माफी नहीं मांगेंगे 1,000 करोड़ की मानहानि रहेगी जारी। बाबा रामदेव, वो वीडियो माफी की बात करते हैं। वो जो मैं उस फिर वापस किसी का भी अनादर नहीं करना चाहता हूँ, जो मेरे से माफी की मांग कर रहे हैं, जो माफी की मांग कर रहे हैं मेरे से, उन जिसकी इज्जत होगी उसकी कोई बेइज्जती करेगा ना? स्वामी रामदेव की इज्जत, स्वामी रामदेव की प्रतिष्ठा, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इनकी क्या हानि कर दी भैया? मान हानि का मुकदमा तो मुझे करना चाहिए। और जहां तक आप बात कर रहे हो कंप्लेंट की, FIR तो खैर हुई नहीं है कहीं, तो कंप्लेंट तो इनके खिलाफ भी सैकड़ों हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इनके सो कॉल्ड जो डॉक्टर हैं उनको बात करने तक की भी सभ्यता नहीं है, बेचारे आपा खो बैठते हैं, इसलिए मुझे उनको सो के अंदर भी बोलना पड़ा। एक संवाद आपका देखा मजाक में, मैंने देखा आपका एक संवाद, और वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर लेले को आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े सम्मानित डॉक्टर हैं वो IMA के, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया आपके साथ एक कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? लेले जी का कोई ट्विटर अकाउंट मेरे पास तो 25 उनके मैसेज भेजे हैं, कोई उसको पढ़ लेगा तो वो तो एलोपैथी के नाम पर कलंक है बेचारे। दूसरी बात, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये अनुकूल समय है एक मजहब विशेष का संदेश घर घर तक पहुंचाने का, कि जो झाड़ फूक करके, ऐसे पानी के छींटा मार करके, जो एक ढोंग आडम पर पाखंड अंधविश्वास करते हैं, तो एलोपैथी को ओझापैथी बनाने में क्यों तुले हुए हैं? और मैं वापस कह रहा हूँ, इस देश के वो डॉक्टर जो सच में, चाहे वो हमारे एम्स के अंदर हैं, चाहे वो और हमारे दूसरे ऐसे बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो प्रामाणिक डॉक्टर हैं, जो शालीन हैं, जो अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का सम्मान करते हैं, जो खुद भी योग करते हैं, मैं ऐसे करीब 90% अच्छे डॉक्टरों का सम्मान करता हूं। वो सच में मानवता के लिए एक भगवान का वरदान है। लेकिन जो एलोपैथी के नाम पर लूट खसोट करते हैं, एलोपैथी को भी बदनाम करते हैं, ऐसे डॉक्टरों का तो मतलब, मुझे तो लगता है IMA वालों को खुद ही इनिशिएटिव लेकर के, जो इनके अध्यक्ष हैं और जिनके सो कॉल्ड जो इनके महामंत्री आदि हैं, इनको तो बर्खास्त करके किसी योग्य व्यक्ति को अपने इस NGO का अध्यक्ष बनाना चाहिए और उनको महामंत्री बनाना चाहिए, नहीं तो ये IMA का मुझे लगता है इसकी गरिमा ही खत्म कर डालेंगे। मैं आचार्य बालकृष्ण का एक ट्वीट को पढ़ता हूं। उन्होंने बोला, पूरे देश में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के षड्यंत्र के तहत बाबा रामदेव जी को टारगेट करके योग और आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। देशवासियों, अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा आचार्य बालकृष्ण का आरोप है। देखो, ये तो, ये जो इनके IMA के अध्यक्ष है ना जी, उनके वीडियो इतने वायरल हो रखे हैं कि इसके ऊपर तो कोर्ट ने अभी इनको सम्मन तक भेज दिया है। मेरे भाई अमित जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने सम्मन भेज दिया कि आप एक डॉक्टर होकर के, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होकर के, किसी कन्वर्जन के लिए आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? स्वामी रामदेव ने किसी का मजहब नहीं बदला। हाँ, मैंने जीवन बदला लोगों का, मैंने लोगों को स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, समृद्धि दी, शांति दी, रोजगार दिया, मैंने उनके जीवन में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया, मैंने करोड़ों लोगों की दवाइयां छुड़ाई, उनको 99% लोगों को मैं कहता हूँ मैं ऑपरेशन से, दवाओं से मुक्त करता हूँ, साथ में बीड़ी सिगरेट शराब नशा से भी मुक्त करता हूँ। ये राष्ट्र निर्माण का काम है, जीवन निर्माण का काम है, ऐसे काम करने चाहिए। इस तरह के चीजों से हमें बचना चाहिए जो IMA के अध्यक्ष करते हैं, ये बहुत शर्मनाक है
और उसके लिए कोर्ट ने उनको समन भेजा है। अब आगे फैसला बहुत जल्दी होगा। बाबा रामदेव, क्या आपको लगता है ये पूरी लड़ाई जो है अब ये आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की हो गई है, जिसमें दोनों विज्ञान है अपने अपने तरीके के, दोनों का सम्मान है, लेकिन इस लड़ाई को शुरू आपने करा है, आरोप आप पे ये है? अगर मैं आरोप की बात करूं तो आरोप ये है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू करा और आईएमए कह रहा है अब खत्म हम करेंगे इसको। मैं तो अभी भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, साधु सन्यासी के मन में कोई दुराग्रह तो कतई नहीं होता, सत्याग्रह जरूर होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो एलोपैथी का सेक्टर है, उस उनका जो क्षेत्र है कि जो सर्जरी है और जो लाइफ सेविंग ड्रग वाले जो काम हैं वो उनको करने चाहिए। बाकी माइग्रेन पेन से लेकर के आँखों का चश्मा उतारने से लेकर के दृष्टि परिवर्तन से लेकर के श्रुति से लेकर के थायराइड क्योर करने से लेकर के बीपी अस्थमा, लोगों की मौत किससे हो रही है? कोविड से मौत नहीं हो रही। आप कहेंगे, मैं बात को प्रधानता देना चाहता हूँ, दूसरी को, मौत हो रही है कमजोर फेफड़े वालों की। क्या कमजोर फेफड़े का? हमारे पास तो दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश स्वासारी पंचकोल बहुत कुछ है। क्या एलोपैथी में लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे पास तो सर्वकल्प है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, एलोवेरा है, विटग्रास है, लिवोग्रिट है, लिवामृत है, क्या लीवर को, कमजोर जो लीवर है उसको रिकवर करने के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट उनको रीजनरेट करने के लिए, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज के लिए, क्या एलोपैथी में नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाए या इम्यूनिटी वीक हो जाए उसको रिकवर करने के लिए एक भी कोई ड्रग है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो ड्रग इंडस्ट्री जो फार्मा इंडस्ट्री, उन्होंने ये काम ही नहीं किया। उनको तो मर्ज और मरीज दोनों जिंदा चाहिए, तभी तो उनका धंधा चलेगा। इसलिए देखो, दोनों के क्षेत्र अलग अलग है, वो करते हैं कंट्रोल, हम करते हैं क्योर, और डंके की चोट पर करते हैं। आर पार की लड़ाई करके देखनी हो तो आकर के देख लो, और जो मैंने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है तो प्रमाण देख लो कि एलोपैथी ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से। बाबा रामदेव, आप आयुर्वेद महान हैं, लेकिन एलोपैथी ने भी कई लोगों का ट्रीटमेंट करा है। अब किसी को कैंसर हो जाए, किसी को ट्यूमर हो जाए, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए, तो तत्काल रूप से ऑपरेशन करना पड़ता है रोकथाम के लिए। उसका इलाज आयुर्वेद में कैसे हो पाएगा? तत्काल प्रभाव से आदमी को हार्ट अटैक हो जाए तो मैं तो बोल ही रहा हूं, स्टंट डाल ले तो कैसे होगा? तो उसमें उसके लिए तो एलोपैथी जरूरी है। में लाखों करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में एलोपैथी ने जान बचाई है। इसलिए ये दो क्षेत्र मैंने विशुद्ध रूप से छोड़ रखे, कोई दुराग्रह नहीं, कोई हट नहीं, कोई दुर्भावना नहीं जी। तो ऐसे उनको भी तो दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। आयुर्वेद का, योग का, नेचुरोपैथी का, जो हमारे सनातन संस्कृति के आधारभूत तत्व, उनका उनको भी तो सम्मान करना चाहिए ना। अब ये पूरी एक बहुत बड़ी, इसके पीछे एक ताकत खड़ी है। मैंने कहा ना, एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, ड्रग माफिया पूरे पूरी दुनिया के अंदर भाई। चलिए, आईएमए आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है, पसंद है कि नीम बिलो तुलसी से लोग स्वस्थ हो जाए, फूक मार करके भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करके लोग ठीक हो जाए। बाबा, आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है, आईएमए की दुर्भावना हो सकती है, आपके मन में वो नहीं था लेकिन आपने बोल दिया। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आपको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में भी उन्होंने काफी चीजों को क्लैरिटी के साथ लिखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि कुल मिलाकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के डॉक्टर वो रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला, उन्होंने भी आपको आपके बयान पर खेद जताने के लिए कहा, आप इसको कैसे लेते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने खेद जता दिया। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर भी अनावश्यक दबाव भी डालते रहते बीच बीच में। ये तो माने इन्हीं आईएमए के डॉक्टर्स ने कोरोना को कुंभ से जोड़ करके कहा कि कुंभ इज द बिगेस्ट स्प्रेडर ऑफ कोरोना। इन्होंने तो इन आईएमए के डॉक्टरों ने मोदी जी की तुलना हिटलर से करके, इन्हीं डॉक्टरों ने भारत का किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब इंडियन वेरिएंट को जो है वो मोदी वेरिएंट कह करके, मतलब इंडिया में जो कोरोना फैला उसको इंडियन वेरिएंट और मोदी वेरिएंट कह करके इन्हीं डॉक्टर्स में, आईएमए के डॉक्टर्स वालों ने, क्योंकि इसमें बहुत से लोग पॉलिटिकल हैं। और मैं एक बात कहता हूं, माना कि मैंने भी एक वक्त सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागरण किया था, आप साक्षी रहे उस बात के, लेकिन मैं एक बात कहता हूं,
मैं आज राजनीतिक रूप से न पक्ष में न विपक्ष में निष्पक्ष हूं। आईएमए के आप पूरा लिस्ट उठा करके देखो, इसके अंदर आपको 90% लोग पॉलिटिकल मिलेंगे जो इनके पदाधिकारी आदि होते हैं। तो ये एक राजनीतिक संस्था है, हर्षवर्धन इनके दबाव में आ गए ना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। आप कह रहे डॉक्टर हर्षवर्धन इन सबके दबाव में आ गए इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। नहीं, मैं कहता हूं उनको भी अलग अलग मुद्दों पर दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, पर ये तो ये सर ये माना जाता है, ये सरकार तो आपके पक्ष वाली सरकार है ऐसा माना जाता है और तभी आपको दूसरी तरफ से टारगेट भी किया जाता है। तो ये अगर ये भी गलत कह रहे हैं तो कुछ तो गलती हुई होगी स्वामी रामदेव, कुछ तो चूक हो गई होगी, क्योंकि मैं हर्षवर्धन साहब को पढ़ता हूं तो उन्होंने बोला करोड़ों योद्धाओं योद्धाओं का निरादर कर दिया है। मान ली नहीं, देखो दरअसल क्या है, वो पूरी बात एक लाइन मेरा बयान निकाल दिया ना उससे दिक्कत होगी, और मैंने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया था, कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसे बैठ करके बोल रहा था, किसी ने उसको फेसबुक लाइव कर दिया, तो ऐसे कोई मेरा ऑफिशियल बयान था नहीं, मेरी मंशा थी नहीं। आज मैं पुनः कह रहा हूँ, अभी भी मेरे मन में कोई निरादर नहीं है और मैं वापस कह रहा हूँ, देखो दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य है तो संसार है, जान है तो जान है, बाकी तो सब शमशान है। इसलिए जान को बचाने के लिए हमको योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, जो हमारे सात्विक आध्यात्मिक अहिंसक जीवन पद्धति है उसको अडोप्ट करना चाहिए, जहां जरूरत है एलोपैथी से भी मदद लेनी चाहिए। घृणा तो हम अपने शत्रु से भी नहीं करते, एलोपैथी से घृणा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से, वैदिक संस्कृति से कुछ लोग घृणा क्यों करते हैं? आप अभी गूगल कीजिए और आईएमए और आयुर्वेद निकाल के दीजिए, वो हमको सूडो साइंस क्यों कहते हैं, वो अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का अपमान क्यों करते हैं? जब हमारे पूर्वजों ने महर्षि चक्षुषो धन्वंतरी गौतम कराधे जैमिनी पाणिनि पतंजलि ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान की विरासत दी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव ने, जो हमारे चार वेदों ने, 11 उपनिषदों ने, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन ने, आखिर उस ज्ञान परंपरा का आप तो कम से कम अनादर मत कीजिए। चाइना अपने ज्ञान परंपरा का अनादर नहीं करता, और मैं तो सभी पूर्वजों को समान रूप से सम्मान देता हूं, मैं तो कन्फ्यूशियस को भी और चाणक्य को भी, मैं तो आइंस्टीन और न्यूटन को भी। अब जैसे ये हमारे जो पदार्थ विज्ञान को मानने वाले जो ऊर्जा के सिद्धांत को मानते ही नहीं, केवल जब शरीर को एक यंत्र मान करके, एक इंस्ट्रूमेंट मान करके, एक मशीन की तरह इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ये है इनकी क्योंकि आप आज जन अदालत में क्या होना चाहिए। मैं न्यूटन के साथ आइंस्टीन को भी मानता हूं, मैं डार्विन के साथ में लेमार्क को भी मानता हूं। बाबा, क्योंकि आप जन अदालत में लाइव है, इस समय बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक आप पे आरोप ये लग रहा है, आईएमए भी लगा रहा है और कई एलोपैथी के बड़े बड़े प्रोधा आरोप लगा रहे हैं कि बाबा रामदेव अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। सुबह सुबह वो योग शिविर लगाते हैं और उसमें एलोपैथिक डॉक्टरों को गालियां निकालते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, अपनी दवाई बेचने के लिए, कोरोनिल बेचने के लिए, अपनी बाकी दवाइयां बेचने के लिए, पतंजलि का टर्नओवर बढ़ाने के लिए, है नहीं ना? ना देखो, यह आरोप है आप पे। देखो देखो, हमारे पास तो जितना सेटअप है, हम तो जितनी अभी डिमांड है उसी की पूर्ति नहीं कर पा रहे जी। हमारे पास में आप पिछले जो है 6 महीने का रिकॉर्ड, 1 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हमारे पास में 5-6 करोड़ गोली डेली बनाने की कैपेसिटी, हम अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अमीश भाई, हमारा कोई किसी को कोसना, किसी को दोष देना, किसी को नीचा दिखाना कैसे मकसद हो सकता है? हमने तो मित्र से तक्षसा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम् एकत्वम् अनुपश्यतः, हमने तो सहनाओ तो सहनौ भुनक्तु के गीत गाए, हम तो एकत्व सा अस्तित्व विश्व बंधुत्व और सामंजस्य के, वननेस को एग्जिस्टेंस हार्मनी के उपासक है। अब इतना हमारे कोई एक एलोपैथी का एक भी आप बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए जहां पर आयुर्वेद के ट्रीटमेंट की, जो कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड भी मेडिसिन है, उस वहां पे उसकी उपचार की व्यवस्था हो। मैं कह रहा हूं पतंजलि में मैं जो भी एलोपैथी के जो आवश्यक ट्रीटमेंट है उसकी अनुमति देता हूं कि भाई इमरजेंसी के तौर पर, शल्य चिकित्सा के तौर पर अपना लो। एक बात और कहता हूं अमीश भाई, जो एक आदर्श एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर कैसा होना चाहिए, वो डॉक्टर भी मेरे पास है, यहां पर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी हैं, और भविष्य में पतंजलि वो एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बनाने का वो एक मेडिकल का कॉलेज खोलेगा
जहाँ आदर्श रूप में हम MBBS MD डॉक्टर भी तैयार करेंगे, लेकिन बाबा जो योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा का भी सम्मान करेंगे और नूतन अनुसंधान भी करेंगे। बाबा इसमें तो कोई दराय नहीं है कि आपका कारोबार है, कारोबार इन द सेंस पतंजलि एक बहुत बड़ी FMCG कंपनी है अब देश की, इसमें कोई दराय नहीं है। अभी आपने कुछ एक साल पहले ही रुचि सोया का भी अधिग्रहण किया है, तो इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि आपका बिजनेस इंटरेस्ट है। देखो मैं पुरुषार्थ जो करता हूं उससे अर्थ आता है जी, लेकिन वो सारा अर्थ परमार्थ के लिए है ना मेरे भाई, ये बात अलग होगी ना। स्वामी रामदेव ने अपने लिए एक कौड़ी भी इस्तेमाल की हो तो जो दंड मिले वो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, वैदिक संस्कृति का जी, गुरुकुल का ये पूरा अनुष्ठान, अपनी सनातन संस्कृति को गौरव देने का, यदि हजारों करोड़ के मैंने चैरिटी के काम किए तो किसी की पुरुषार्थ से जो अर्थ आया उसको परमार्थ के लिए लगाया निस्वार्थ भाव से। अब ये करना भी यदि गुनाह है तो मैं ये योग मूलक उद्योग और ये पुरुषार्थ मूलक अर्थ जो अर्जित हुआ इससे परमार्थ में करता रहूंगा जी। बाबा रामदेव अब सवालों का दूसरा राउंड है, यानी बाबा रामदेव अब नेटवर्क 18 के संपादकों के सवालों के चक्रव्यूह में होंगे और मेरे साथ इस चर्चा में विवेक नारायण जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं साउथ न्यूज 18 के, आपका स्वागत है। राजीव पाठक है एडिटर न्यूज 18 गुजराती के, आशुतोष पाटिल है एडिटर है लोकमत के, न्यूज 18 लोकमत के। मेरे साथ इस चर्चा में ब्रजमोहन सिंह है जो कि एडिटर इनपुट है न्यूज 18 बिहार झारखंड के, तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन पहला सवाल मेरे पास जो है वो मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 CNN न्यूज 18 के जाका जैकब का है, उन्होंने सवाल पूछा है बाबा रामदेव आपसे। IMA का कहना है कि कोविड से लड़ते हुए 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने जवान गंवाई है, डॉक्टरों ने इस दौरान योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी, ऐसे में क्या आपको अपने पुराने बयान पर खेद है जिसमें आपने कहा था कि जो डॉक्टर अपनी रक्षा नहीं कर सके वो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? मैंने कहा कि खेद है, मैंने बयान वापस भी ले लिया और मैंने कहा कि मैं जिन डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरों की जान गवाई बचाई मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और अभी भी जो डॉक्टरों से लेकर के जो भी मेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, ड्राइवर्स हैं, सफाई कर्मचारी, मैं सबका सम्मान करता हूं, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि उन्होंने यदि जान बचाई तो योग आयुर्वेद से भी करोड़ों लोगों की जान बची। मैंने दोनों के अंदर एक कई जो एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो बात थी ना कि आयुर्वेद को तो नैपथ्य पर ही रखना चाहते हैं, योग नेचुरोपैथी को नैपथ्य पर रखना चाहते हैं, मैं उसका विरोध किया। मुझे एलोपैथी से कतई ना कोई एलर्जी है, वैसे भी मुझे कोई एलर्जी की बीमारी नहीं है, और किसी भी तरह से किसी डॉक्टर के लिए और एक पैथी के लिए मेरे मन में किसी भी तरह का कोई अनादर या अपमान का भाव नहीं है जी। अब मैं रुक करता हूं, मेरे साथ विवेक नारायण जुड़ रहे हैं मैनेजिंग एडिटर साउथ न्यूज 18 के। विवेक ओवर टू यू, बाबा रामदेव से आप क्या सवाल पूछा चाहते हैं तमिलनाडु केरल कर्नाटक की जनता के लिए, क्या सवाल है आपके मन में? रामदेव जी, पूरे भारत की तरह दक्षिण भारत भी ये पूरे प्रकरण से, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे अछूता नहीं है, यहाँ भी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो स्वास्थ्य सूचकांक या हेल्थ इंडाइसेस है वो उत्तर भारत के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बहुत बेहतर है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं पर उसमें से एक बड़ा कारण है जो दक्षिण भारत ने एलोपैथी को पूरी तरह से थामा है, उसका साथ दिया है। उसका एक और कारण है कि यहाँ पे जो ईसाई मिशनरीज थे, हालांकि उनके नंबर्स बहुत कम थे, केरल में तकरीबन 18% ईसाई है, तमिलनाडु में 6% है, पर भारत के अन्य संस्थानों से ज्यादा है, पर यहाँ पे जिस तरह से इन मिशनरीज ने जो अस्पतालों की स्थापना की थी, जिस तरह से नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस और नर्सेस को तैयार किए थे, अब जानते हैं केरल के नर्सेस अभी पूरे 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 भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में फैली हुई है, जिस तरह से इनके काम करने का तरीका रहा है, जिस डेडिकेशन से इन्होंने काम किया है, उसका फायदा ये हुआ, चाहे चेचक हो या चाहे पोलियो हो, ये बाकी भारत के स्टेट्स के मुकाबले दक्षिण भारत में बहुत जल्दी बाहर हुआ।
उसमें एलोपैथी का बहुत बड़ा एक हाथ भी है, और उसमें दूसरा हाथ है मिशनरी और ईसाइयों का। क्यों ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को कि एक तरह से, एक तो आपके जो आपका जो संस्थान है वहां से जो आवाजें आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि अगर ईसाई इज इक्वल टू एलोपैथी, हिंदू इज इक्वल टू आयुर्वेद, अगर आप हिंदू हैं तो आप आयुर्वेद को देखिए, अगर आप ईसाई हैं ये तो बाहर का है, वेस्ट का है, हमारा नहीं है। ऐसा क्यों एक 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 सिग्नल आ रहा है आपकी तरफ से? बाबा रामदेव जवाब। देखो विवेक भाई, हम कभी भी अविवेकपूर्ण बात नहीं करते, और कभी भी ईसाई, इस्लाम, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी भी संदर्भ में मैं कभी कोई भेदभाव, पक्षपातपूर्ण पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहीं करता। जहां तक प्रश्न था तो हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट का, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं जिस तरह से हमारे हिंदू साधुओं ने भी इस देश में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम तरह के कार्यों में करोड़ों करोड़ों लोगों का भला किया है, ऐसे यदि हमारे ईसाई मिशनरी भी यदि अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, और वो काबिले तारीफ है, उसकी निंदा का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और हम किसी पैथी को किसी देश से जोड़ करके नहीं देखते, कहीं से भी ज्ञान आए हम तो कहते हैं आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, सब दिशाओं से जहां से भी ज्ञान आए हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक आपने चेचक पोलियो आदि के बारे में कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, माना हमने चेचक पोलियो को भगा दिया, लेकिन हर 5-10 में से कम दो व्यक्ति, 1 से 2 व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित नहीं है क्या? हर 10 में से एक व्यक्ति क्या डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 से पीड़ित नहीं है क्या? हर 10 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन नहीं है क्या? हर 25-50 लोगों में से एक व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है क्या? हर तीसरे व्यक्ति को क्या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है क्या? ऐसे कितने प्रॉब्लम्स हैं, और इनका समाधान यदि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में और भारतीय जीवन शैली में है तो उसका सम्मान करना ये एलोपैथी का अनादर नहीं है। मैं कहता हूं दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए, और सभी प्रकार की जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें भी हार्मनी होनी चाहिए, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हार्मनी होनी चाहिए। मैं तो उसका पक्षधर हूं विवेक भाई। धन्यवाद जी। विवेक कोई और सवाल आपका? नहीं, यही था कि देखिए जैसे मैंने पूछा कि क्रिश्चियनिटी इज इक्वल टू एलोपैथी, और अगर आप हिंदू हो तो आप आयुर्वेद का प्रयोग करें। जी, ये जो एक तरह से उसको जो बॉक्सिंग कहा जाता है, ऐसा हमने कभी नहीं ब्रैकेट में डाल दिया, ऐसा हमने कभी नहीं कहा, और ना हम ऐसा मानते नहीं हैं। इस मीटिंग में आप नहीं कह रहे हैं, चाहे इस टेलीकास्ट में आप नहीं कह रहे हो, अगर आप ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करें जो आपके लिए आपके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये क्लियर डिवाइड किया है, जो कहते हैं ये ना ये तोड़ की राजनीति जो है उस तरह से ब्रैकेट कर दिया, एक डिविजन क्रिएट कर रहे हैं आप। किसके सपोर्टर्स क्या करते हैं विवेक भाई, देखो मेरे खिलाफ पूरा एक मजहबी माफिया, देखो आप फिर दूर तक बात चली जाएगी, एक पूरा एक मजहबी माफिया, एक ड्रग माफिया, एक पूरा का पूरा जो है एंटी इंडिया जो माफिया है, बहुत अलग तरह की चीजें, माने जिनके दिलों दिमागों में जहर भरा रखा, वो मेरे लिए क्या कितना जहर उगलते हैं। सुबह से शाम तक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो स्वामी रामदेव को गाली देते हैं, योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, राम कृष्ण को, और गौतम कड़ाद, जमनी पाणी, पतंजलि को, अपने पूर्वजों को गाली देने का काम करते हैं ट्रेडिशनली, प्रोफेशनली, और वो उनकी फंडिंग होती है विदेशों से। ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। किसके समर्थक क्या कहते हैं, मैं अपने समर्थकों को कभी भी किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, मैं किसी भी प्रकार के हेल्थ टेररिज्म के लिए, किसी भी प्रकार के सोशल टेररिज्म के लिए मैं किसी को नहीं उकसाता और नहीं उकसाऊंगा। मैं तो एकता के ही गीत गाता रहा हूं और वही गाऊंगा विवेक भाई। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं राजीव पाठक का, जो कि न्यूज 18 गुजराती के एडिटर संपादक है, एडिटर हैं। राजीव, क्या सवाल है आपका गुजरात से? आईएमए और गुजरात का तो पुराना नाता है। बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है पूरे देश में विवाद बहुत गर्माया हुआ है, लेकिन हमारे गुजरात की संस्कृति है। बाबा, सबसे पहला सवाल, केम छो, मजा मा छो? બધું સારું છે, તમે કેમ છો? બધું
गुजरात में हवे परिस्थिति थाळे पड़ी छे, पण एक सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कोरोना है उसके केसेस काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं गुजरात में, लेकिन म्यूकोरमाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा पनप रहा है गुजरात में। उसकी दहशत शायद देश के और हिस्सों से सबसे ज़्यादा है। क्या योग में उसके लिए कोई ऐसा योग है जिससे कि उसकी संभावना कम की जा सके, क्योंकि उसका इलाज भी कोरोना के मुकाबले बहुत महंगा है? आमा बात बे तरह वाक्य गुजराती में बोलू छू, जे मानस नी इम्यूनिटी वीक थाय छे, बिल्कुल हमने गम से एने म्यूकोर माइकोसिस थाय छे, एने ब्लेक फंगस कहो कि व्हाइट फंगस कहो कि येलो फंगस कहो, अने जे प्राणायाम करशे, जे गळो तुलसी नो उकाळो पीशे, एने इम्यूनिटी वधशे। आ हूँ एक सीम्पल एक्जाम्पल आपू छे, जे लाकड़ी होय ना गळेली होय एने ऊपर फंगस लागे तो कमजोर लकड़ी को फंगस लगती है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, किसी भी तरह की कोई चीज उसके ऊपर पनपती है। जो मजबूत लकड़ी होती है उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई दीमक नहीं लगती है। तो जो अपने आपको बलवान बनाने वाली विद्या है वो योग है, वो आयुर्वेद है, वो नेचुरोपैथी है, वो स्वस्थ जीवन शैली। तो मैं सबसे कहूंगा सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, आमला, एलोवेरा, गळो, तुलसी अने नीम एनो उकाळो पीवे, इनका काढ़ा बना करके पिए, ये बहुत जरूरी है। भस्त्रिका आराम आराम से करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें, अणु तेल नाक में डालें। मैं एक सप्ताह के भीतर भीतर पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ अणु तेल का भी क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, वो भी पूरा रिपोर्ट के साथ आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारा सेलुलर ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल हमारा इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और जो बहुत सस्ता है। अब देखो ना, रेमडेसिविर जब कोरोना काल था तब 4,000 से 40,000 का हो गया, हमने तो अपनी 545 की दवाई 500 से नीचे कम कर दी। तो खैर, ये बहुत प्रामाणिक रूप से मैं कह सकता हूं कि जो कर सकें वो जननेति सूत्र नेति करें, होने की बात तो नहीं कर सकते खैर, लेकिन नशे जरूर लें, अणु तेल का, षडबिंदु तेल का, और ये गलो तुलसी जो मैंने आज बताया ये प्रयोग करेंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस में लोगों की बहुत मदद होगी राजीव भाई जी। बाबा जी, एक और सवाल, इस दौर में, पिछले लॉकडाउन के इस दौर में ऑनलाइन योग की का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। योग, आप पहले ये कहा जाता था कि जो प्रत्यक्ष सीखते हैं उसका योग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको कुछ गलत, आपके शरीर में कुछ और भी होने की संभावना रहती है, ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्या ऑनलाइन योग फायदेमंद है या नुकसानमंद है, क्या आप किस तरह से इसको देखते हैं, शू कैशो है ना विषय बाबा? ऑनलाइन तो कंसल्टेशन दे रहे 5-5, 10-10 हजार का पैकेज लेके हमारे डॉक्टर भाई, और मैं कहता हूं देखो कोई आदमी योग करेगा तो क्या करेगा, ऑनलाइन बताया कि मैं डीप ब्रीदिंग करूं, अब उसने लेने छोड़ने की बजाय खाली छोड़ना शुरू कर दिया तो भस्त्रिका ना होके कपाल भाति हो जाएगा, उसने अनुलोम विलोम बताया कि ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करो, उसने इसी से लिया और इसी से छोड़ दिया तो चंद्रभेदी हो जाएगा, इसीलिए इसी से छोड़ दिया तो सूर्यभेदी हो जाएगा, रोक लिया तो नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। इसलिए योग में कुछ बेसिक सावधानी 2-3 ही है, शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना चाहिए, यदि हार्ट की प्रॉब्लम और जो है हृदय उच्च रक्तचाप है तो, कमर दर्द है आगे नहीं झुकना, हर्निया पीछे नहीं झुकना, बाकी आराम आराम से बिंदास होकर के योग करें, कोई डरने की जरूरत नहीं। ये अलग अलग तरह का डर, चाहे योग के नाम पर, चाहे पैथियों के नाम पर, चाहे बीमारियों के नाम पर, जितने लोग पूरी दुनिया में बीमारियों से मरते हैं उससे ज्यादा लोग बीमारियों के डर से, खौफ से मरते हैं। और गलत, देखो योग गलत करके कोई मरा मैंने कोई सुना नहीं जी, लेकिन जितने लोग दवा खा करके मरते हैं उससे ज्यादा लोग गलत प्रिस्क्रिप्शन से मरते हैं। ये डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन एलोपैथी के डॉक्टरों के द्वारा लिखी हुई किताब है और WHO भी मानता है, अब बताओ। तो ये गलत प्रिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, योग में भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बाबा आप भी कोई मौका नहीं छोड़ते एलोपैथी को बताने के लिए कि उसमें दम नहीं है ज्यादा, आप भी कोई मौका नहीं छोड़ते, अभी भी आपने योग में भी एक किताब दिखा दी। चलिए मैं अब नहीं, ये तो एलोपैथी के डॉक्टरों ने बताया अमित भाई, उनकी बात बता रहा हूं मैं, वही तो कह रहा हूं मौका नहीं छोड़ते आप। मैं आपने किताब का जिक्र किया तो मैंने बोला आप भी कोई मौका नहीं छोड़ते। आशुतोष पाटिल का मैं रुख करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज 18 लोकमत, हमारा जो मराठी चैनल है बहुत जाना माना चैनल है, उसके संपादक
सवाल पूछिए आशु भाई, आशुतोष जी। जी जी अमित जी, बाबा नमस्ते, जय महाराष्ट्र। सगळा बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम। जी जी बाबा, तुम्ही नेहमी, मी मराठीमध्ये प्रश्न विचारतो, तुम्ही भारतीय संस्कृतीचं उदाहरण देता, आप भारतीय संस्कृति का उदाहरण देते हैं। भारतीय संस्कृति में दूसरों के ज्ञान का आदर करना, दुसऱ्याच्या ज्ञानाचा आदर करणं हे आपण नेहमी पाहतो। तुम्ही बोलता बोलता ॲलोपॅथीला टोमणे मारता, टीका करता। तुम्ही आता एक नुकतंच विधान पण केलं होतं की कोणाच्या बापात हिम्मत आहे का की मला हात लावण्याची। तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये येऊन अशी धमकी देऊ शकाल? तर देखो, मैं पहले तो शुरू से ही बोल रहा हूं आशुतोष भाई, मैं सबका और सब ज्ञान परंपराओं का, सब महापुरुषों का आदर करता हूं। दूसरी बात, कोई बात बात में मुझे धमकाए तो देखो भाई, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन कोई हमारा अपमान करे, मैंने कहा भाई जब मैंने कोई अपराध नहीं करा, मैंने दो बात कही थी उसके साथ। देखो, मैं भगवान के विधान और देश के संविधान का सम्मान करता हूं, और मैं किसी का स्वप्न में भी अहित चिंतन नहीं करता आशुतोष भाई। तो दूसरा में कोई बार बार कहे इसको जेल में ठोकेंगे, इसको फांसी पर लटकाएंगे, बाबा अपराधी है, बाबा आतंकवादी है, ये कहना तो गलत है ना आशुतोष भाई। बस इतनी सी बात है, बात कोई किसी भी तरह से ज्ञान का अनादर करने की, किसी पैथी का अनादर करने की कोई मनसा आशुतोष भाई न थी, न है, न होगी। बाबा आणखीन एक प्रश्न आहे की महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्र में थर्ड आशुतोष, अगर हिंदी में बोलेंगे तो हमारे सारे व्यूअर्स सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। जी जी, जो महाराष्ट्र में जो थर्ड वेव आने की संभावना जताई जा रही है, उसमें बच्चों को खतरा दिखाया जा रहा है, तो क्या बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ आप सलाह दे सकते हैं, या योगा में कुछ सलाह है? बहुत जबरदस्त है मेरे भाई, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ बच्चों को सूर्य नमस्कार 10 बार रोज करना चाहिए, और उनको शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्थानासन। मैं एक दिन आर पार में आमिश भाई के साथ पूरा योग का सत्र ले लूंगा, क्योंकि अभी तो हम जो है विवादों में से बाहर निकलने के लिए संवाद कर रहे हैं, लेकिन योग से निश्चित रूप से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और मैंने 6 महीने के बच्चों से लेकर के और 5-10 साल के बच्चों को खाली योगाभ्यास करा करके और शिला तुलसी, फिर कोई कहेगा एक सौ दी बाबा जी बेचने के लिए तो नहीं बता रहे यार, अपने घर में शिला जी तुलसी गिलोय पी लो ना, मैं कोई बेचने बाचने की बात नहीं कर रहा हूं। ये करवा करके मैंने 3 से 5 दिन के अंदर जो बहुत ही काफी जिनके ऊपर बच्चों के ऊपर अटैक हुआ उनको प्रोटेक्ट किया है, और बच्चों में इनिट इम्यूनिटी आंसू भाई बहुत अच्छी होती है, योग करने से यो इम्यूनिटी और इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि किसी भी प्रकार से बच्चों के ऊपर कोरोना किसी प्रकार से कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बाबा, क्योंकि अभी हमारे साथ बिहार के संपादक भी है ब्रिजमोहन सिंह, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। ब्रिजमोहन, जल्दी से सवाल पूछिए अपना। बाबा रामदेव, बिहार की राजधानी पटना से राम राम, आप ठीक हैं? प्रणाम, नमस्ते राम जी। लोग यहाँ जानना चाहते हैं बिहार में जी, नमस्ते नमस्ते, आप यहाँ के लोग जानना चाहते हैं, खास करके यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं, जब मैं PMCH में जाता हूँ, एम्स में जाता हूँ, बड़े अस्पतालों में जाता हूँ, तो उनको एक चीज़ को लेकर दुख बहुत है बाबा रामदेव, कि आपने जो डॉक्टर्स को लेकर बयान दिया, उनके योगदान को लेकर, आपको बता दूँ कि बिहार में लगभग 70-80 डॉक्टर हैं जिनकी जानें चली गई हैं, जो गांव में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, नर्सेस हैं, एम्बुलेंस चला रहे हैं, तो जब आपने बयान दिया तो उसके बाद कुछ आपको अफसोस नहीं हुआ कि मतलब कुछ आपने ज़्यादा बोल दिया, उन्होंने जो इतना मेहनत किया है, उन्होंने कुर्बानी दी है एक तरह से? मैंने तो अपने बयान की शुरुआत ही ब्रिजमोहन भाई यहां से की, कि मैं जी, जिन डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके दूसरों की जान बचाई, मैं उनको सलाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं,
ये दरअसल गलत फहमी हुई, उसको तो मैंने पहले ही से उसको निराकरण कर चुका हूँ और अभी भी मैं वापस कह रहा हूँ, मैं कतई किसी डॉक्टर का अपमान करना तो बहुत दूर की बात रही, मैं तो किसी चीटी से लेकर के इस पूरे अस्तित्व को उस भगवान का स्वरूप मानता हूँ, किसी का अनादर करने का प्रश्न ही नहीं है। और अभी भी मैं वापस कह रहा हूँ कि ये संघर्ष किसी व्यक्ति का अनादर करने का नहीं है या एलोपैथी का भी अनादर करने का नहीं है, हम सब मिलकर के मानवता का भला करें इसी भावना से मैं आज भी संवाद कर रहा हूँ। और वापस मैंने उस समय भी अपना बयान वापस लिया, खेद व्यक्त किया, अभी भी मैं यदि वापस कह रहा हूँ, मैंने कोई बयान पढ़ दिया एक व्हाट्सएप पर, उससे भी किसी की भावना आहत हुई तो मैंने तो कहा मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, तो फिर भी मेरे ऊपर ये आरोप न जाने क्यों बार बार लगाया जा रहा है, तो इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। बृजमोहन भाई जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बृजमोहन, विवेक, राजीव पाठक, आशुतोष पाटिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा रामदेव, क्योंकि ये जन अदालत है, पब्लिक के सवाल नहीं लूँगा तो गलत होगा, पब्लिक के लोग काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं कि बाबा आप देश सेवा में बहुत काम करते हैं, तो कोरोना के इस काल में कोरोनिल फ्री क्यों नहीं बांट देते, हरियाणा सरकार से भी आधे पैसे ले रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये आपसे सवाल पूछा है। देखो, हमने करीब करीब 40 से 50 करोड़ रुपए की इस देश में पतंजलि की तरफ से सेवा की है। जो प्रोफेसर साहब हैं वो भी अपनी तनख्वाह थोड़ी सी दान में दे दे तो आधा मैं दे देता हूँ, आधा वो दे दे। फिर मैंने तो देश के लोगों के बूते पर ये योग आयुर्वेद का इतना बड़ा सेवा का संस्थान खड़ा किया। मैं गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं लेता हूँ, मैं वो एनजीओ नहीं हूँ जो विदेशों से पैसे लेता हूँ, मैं तो देश के लोगों से कोड़ी कोड़ी करके ये सारा इतना बड़ा योग का आयुर्वेद का विस्तार किया। इसलिए जो है जितना मुझे करना चाहिए उससे ज़्यादा मैं करता हूँ, हमेशा हर साल करीब 250 से 500 करोड़ रुपए की मैं चैरिटी करता हूँ और आगे भी करूँगा, किसी के दबाव में प्रभाव में आकर के नहीं, मैं अपना धर्म मानता हूँ इसको, क्योंकि मेरा एक एक श्वास और मेरे खून का एक एक कण मेरी मातृभूमि के लिए ही है। और जरा ये यूनिलीवर वाले और तमाम तरह के, मैं किसी कंपनी का ज्यादा नाम नहीं लूंगा, इन एमएनसी से पूछो जो साबुन टूथपेस्ट क्रीम पाउडर बेच बेच करके ये देश में क्या चैरिटी करते हैं, उनसे भी पूछ लो जरा। बाबा अगला सवाल है, एक रॉकी है वो लिख रहे हैं कि मैं बाबा रामदेव से पूरी तरह से एग्री करता हूं, गरीबों को तो हम दे रहे हैं मुफ्त में, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं वो, एक वो उन्होंने आयुर्वेद को इनवोट किया है ये कह रहे हैं। एक और सवाल है विजय का, वो ये लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव आपका एक बयान था जो मैंने देखा, उन्होंने जो आपने बोला कि किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले, क्या ये बाबा रामदेव का अहंकार है क्योंकि वो सत्ता के करीब है, ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं देखो, योगी अज्ञान और अहंकार के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार जीता है, और हम मैं अपने आप को बार बार कहता हूँ मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत माता का, ऋषि परंपरा का, योग आयुर्वेद का, सनातन का प्रतिनिधि हूँ। अब कोई हमको इतना भी कमजोर और लाचार ना माने कि जिसको चाहे वही थप्पड़ मार के चला जाए, ऐसा ठीक नहीं है। तो मैं अहंकार नहीं करता लेकिन स्वाभिमान में जरूर जीता हूं, और स्वाभिमान में हर एक को जीना चाहिए, पर ये बयान बिना किसी का अपमान किए। अब मैं फ्रीडम में आजादी में जीना चाहता हूं बिना दूसरे की आजादी को बाधित किए हुए। लेकिन ये कह देना किसी के कानून से ऊपर तो कोई नहीं है बाबा, ना आप है, ना मैं हूं, ना देश का प्रधानमंत्री है, ना कोई और है, तो क्या जो आपने बात बोली उसको इस तरीके से लिया गया कि बाबा रामदेव को लगता है कि वो कानून से ऊपर है, इस तरह से आपके विरोधियों ने उसको दिखाया? मैंने पूरा स्टेटमेंट दिया ना अमीश भाई, वो यही दिया, मैं देश के कानून का, भगवान के विधान का, देश के संविधान का आदर करता हूं, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे चार वाक्य पूरे पढ़ो, उसी बयान में मैंने बोला हुआ है, मेरे को बुद्धि विस्मृति नहीं है, धी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व रोग सर्व दोष सर्व दुख प्रकोपणम। तो मैं अपने जो मैंने बोला मैंने पूरा कह दिया, और अभी भी वापस एक बात और दोहरा देता हूँ जी बाबा, सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के जो एलोपैथी का श्रेष्ठ है वो ले लो,
योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी और सनातन संस्कृति का श्रेष्ठ है वो ले लो, आओ मिलजुल करके काम करो, संगत छद्वम संवदध्वम। वापस कह रहा हूं मैं तो अमीश भाई। बाबा रामदेव, मेरा अगला सवाल आपकी बिजनेस को लेकर है, आपके कारोबार को लेकर है। FMCG में आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, रुचि सोया का आपने अधिग्रहण किया, क्या कहना चाहते हैं? काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या बाबा रामदेव को कारोबार बढ़ाने में अब मजा आने लगा है, यानी आनंद आने लगा है? देखो, मेरे को तो देश को परम वैभवशाली बनाने में आनंद आता है। मैं दरिद्र भारत का और दरिद्रता का उपासक नहीं हूं, मैं तो लक्ष्मी नारायण का उपासक हूं, या तो अभ्युदय निश्रेय स सिद्धि स धर्म का उपासक हूं। मैं चाहता हूं भारत अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोप से, सब चाइना से, जापान से सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। मैंने तो एक बर्बाद हुई कंपनी, यदि उसको ना बचाते रुचि सोया को तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाते, और या इस खाद्य तेल से लेकर के जो न्यूट्रिशन का बाजार है उस पर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो जाता। तो मैंने राष्ट्र हित में काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और वर्तमान में जितनी भी कंपनियां हैं, ये करीब 1,000,00,000 करोड़ रुपए देश से लूट करके गई है। मैं आर्थिक और सांस्कृतिक लूट गुलामी से देश को बचाने का काम कर रहा हूं, और अभी भी इसके साथ ऑर्डर में स्वदेशी समृद्धि कार्ड 100 करोड़ रुपए तो मैं लोगों को दे रहा हूं अभी, और करीब 5,00,000 लोगों को रोजगार दिया, आगे 5,00,000 लोगों को रोजगार देंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे और विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट गुलामी से बचाएंगे। ये हमारे फुफा लगे हैं, इनके साथ रिश्तेदारी हो रखी है हमारी, कि इन्होंने क्या किया इस देश में, कौन सा चैरिटी का काम किया है MNCs ने? पतंजलि के पास अर्थ है तो सारा परमार्थ के लिए है, तो दिक्कत क्या? खूब बढ़ेगा, रुचि सोया भी खूब बढ़ेगा। आज लोगों ने 4-5 गुना उसका शेयर मार्केट में रेट बढ़ा रखा है, तो बाबा रामदेव के कहने से बढ़ा रखा है। स्वामी रामदेव ने तो लोगों को समृद्धि दी है, स्वास्थ्य दिया है, सुख समृद्धि शांति दी है, स्वाभिमान दिया है, वैसे ही पतंजलि भी आगे बढ़ेगा। और वोकल फॉर लोकल, और वो लोकल को बनाना है ग्लोबल, तो ये तो आत्मनिर्भरता का मूल सिद्धांत है। मैं तो नहीं कहता हूं कि तुम हॉस्पिटलों पर, डॉक्टरों पर, दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाओ, मैं तो कहता हूं स्वास्थ्य में भी आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। बाबा, क्योंकि आपने ग्लोबल की बात करी, और एक और विवाद इस देश में इस समय गर्म है, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और ट्विटर का जो झगड़ा है वो है। ट्विटर भारत की सरकार को बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, भारत की सरकार कह रही है कि देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आवश्यकता नहीं है किसी विदेशी कंपनी से जानने की कि लोकतंत्र क्या होता है। इस पूरे विवाद पर आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल ये एक सिलिकॉन वैली वाले वो भी अपने आप को ना सर्वशक्तिमान समझने लग गए, जैसे हमारे कुछ एलोपैथी वाले अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लग गए थे ना, ये सर्वशक्तिमान समझने का भ्रम किसी को नहीं पालना चाहिए। ना कोई पैथी सर्वशक्तिमान है, ना अमेरिका सर्वशक्तिमान है, ना सिलिकॉन वैली वाले जो है सर्वशक्तिमान है, ना ट्विटर सर्वशक्तिमान है। उसको भारत में रहना है तो भारत का कानून मानना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाओ। तो भारत में रहेंगे और भारत का कानून नहीं मानेंगे, हमको लोकतंत्र सिखाएंगे, हमको जो है बोलने की आज़ादी और ये फंडामेंटल राइट्स हमको बताएंगे। भारत पूरी दुनिया का बहुत ही परिपक्व लोकतांत्रिक देश हो चुका, अब इसमें किसी भी तरह से विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव, आखिरी सवाल मेरा, क्या बाबा रामदेव इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको अब समाप्त करना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं हृदय की गहराई से इस विवाद को विराम देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे IMA के भाई भी जो आत्ममूल्यांकन करें जी। और वो अपने ऐसे पदाधिकारी जो अनावश्यक रूप से विवाद को तूल देना चाहते हैं, आओ हम सब मिल करके इस देश की भलाई का काम करें। जो गरीब लोग हैं उन तक भी जो अफोर्डेबल जो ट्रीटमेंट है हमारा, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी खान पान होम रेमेडी, इस तक पहुंचाने का काम करें, तो हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके इस राष्ट्र की सोचें, गांव के अंतिम आदमी की सोचें, उस मिडिल क्लास आदमी की सोचें जो लाखों रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रीटमेंट के नाम पर। तो मैं इस विवाद को ईमानदारी से दिल से समाप्त करना चाहता हूँ अमीश भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, आप आज News18 नेटवर्क के साथ जुड़े, हर सवाल का आपने जवाब दिया, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपसे बातचीत होती रहे।
लेकिन उम्मीद ये भी करेंगे कि ये पूरा विवाद खत्म हो और आयुर्वेद और एलोपैथी मिलकर लोगों की रक्षा करें। ये बड़ा सार्थक संवाद है जो आज न्यूज 18 ने देश हित में किया है। और हम आपको बता दें कि हमारे लिए टीआरपी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए विवाद महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, देश सर्वोपरि है। इसीलिए देश के लिए आज हमने ये संवाद किया है। जरूरी है कि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिलकर काम करें। इस 100 साल में जो पहली बार महामारी आई है उससे लोगों को राहत पहुंचाए। बाबा रामदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।